हम बना रहे हैं चना दाल उपमा। चने की दाल जो हम भिगो कर उबाली हुई है, और एक कटोरी है ये, एक कटोरी सूजी, एक प्याज कटी हुई, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तड़के के लिए राई और तेल। गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म करें। इसमें 2 चम्मच तेल डालना। तेल गर्म हो चुका है, इसमें राई का तड़का लगाएं। राई तेल में तड़क चुकी है, इसमें आप प्याज और हरी मिर्च डालें। ज़्यादा लाल प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करनी है, आधी कच्ची रखनी है। इसमें सूजी को भूनना, सूजी को ज़्यादा नहीं भूनना, इसमें नमक ऐड करें। इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला, छोटी चम्मच डालना है नमक। इसमें 1/4 चम्मच मिर्च डालनी है, मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी। इसमें चने की दाल डालें, इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालना। उपमा बन के तैयार है। इसमें कम समय लगता है बनाने में। इसे आपको जैसा रखना है, आप ज़्यादा चाहते हैं पतला, और अगर सूखा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। हमने इसको बाउल में निकाल लिया है। चना दाल उपमा बनकर तैयार है। इसे आप नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं।